तो आज मैंने बना लिया है आप लोगों के लिए स्पेशल गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड, और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी कि आप रेस्टोरेंट का खाना पक्का भूल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे बटर, बटर हमने लिया है रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे ले लिया है बटर, आप मेल्ट बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई, साथ ही साथ हमने लिया है यहाँ पे चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, और ये लिया है हमने गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन को हमने बारीक सा घिस लिया है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिंक साल्ट एक चुटकी, और बस देखिए अच्छे से हमने इसे भी मिला लिया है। यहाँ पे हमने ली है नॉर्मल घर में जो ब्रेड आती है उसे, और अच्छे से मैं इस ब्रेड के ऊपर इसको लगा लूँगी। तो ये मसाला ब्रेड जो हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ब्रेड भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसी तरीके से हमने एक ब्रेड पे लगा लिया है। साइज़ आपको क्या रखना है, कैसे इसको कट करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। इसी तरीके से मैं दूसरे ब्रेड को कट कर लूँगी और इसको 3 पीस में करूँगी। ये देखिए, तो मैंने 3 पीस में कट कर लिया, और इन पे भी मैं बटर को लगा लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए चारों साइड हम अच्छे से लगा लेंगे गार्लिक बटर को। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैंने ये लगाया है, इसी तरीके से मैं बाकी की भी लगा लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने एक पूरी ब्रेड ली है, इसे भी हम अच्छे से लगा लेंगे। गार्लिक बटर हम लगाने के बाद इसे बनाएंगे प्लेन चीज़ गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पे हमने डाल दिया प्लेन चीज़, और चीज़ के डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ चीज़ें। देखिए चीज़ मैंने कैसा भर भर के डाली है, तो आप भी कंजूसी मत करिएगा, ऐसी डालिएगा। और यहाँ पे हमने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, और साथ में हमने डाल दी है बारीक कटी हुई धनिया। तो ये हमारा रेडी है गार्लिक प्लेन चीज़ टोस्ट। तो अब वापस से हम एक ब्रेड लेंगे और इसे हम फिर से लगाएंगे बटर को इस ब्रेड पे। मैं एक ही रेसिपी से 3 रेसिपी रेडी कर रही हूँ, आप देखते जाएं कितनी मज़े की तीनों ब्रेड लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब मैंने इसके ऊपर लगाया है पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे मेयोनीज़। तो हम पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़ को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए मैंने कितनी अच्छे से इसको मिला लिया है। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को भी अच्छे से मिला लेना, अगर आप इस पर ना मिला के लगा पाएँ तो कटोरी में अलग मिला लें। इस पर हम डालेंगे चीज़, और ये देखिए चीज़ मैंने अच्छे से भर दिया है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, ओरिगेनो इसलिए मैं डाली पिज़्ज़ा की जान है, तो इसीलिए एक फ्लेवर के लिए मैंने डाला है। तो देखिए इतनी मज़े की हमारी दोनों ब्रेड रेडी होगी, प्लेन चीज़ी ब्रेड और पिज़्ज़ा ब्रेड। तो यहाँ पे देखिए प्लेन हमने गार्लिक ब्रेड भी रेडी कर ली है। तो बस इसी तरीके से हम सारे पीस रख लेंगे। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की, तो बस इसे कैसे फ्राई करना है देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ब्रेड वाकई में बड़ी मज़े की लग रही है, जल्दी से इसे बनाते हैं। हमने ले लिया एक फ्राई पैन, उसमें मैंने लगा दिया है ये बटर। आपको पैन को गार्निशिंग करनी है, आप चाहे ये ऑयल से करें या बटर से, आपकी मर्ज़ी। बस इसमें कोई फ्लेवर नहीं ऑयल में होना चाहिए, रिफाइंड बेटर है। तो बस इसी तरीके से हम एक साइड को पहले गोल्डन कर लेंगे, फिर हम इन ब्रेडों को पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना ब्रेड का। तो बस इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को पलट के सेक लेंगे, और इसे भी हम गोल्डन होने तक ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ फ्राई करके, देखिए कितनी मज़े की हमारी ब्रेड रेडी है। तो बस अब मैंने बटर लगा लिया है पैन में, और मैंने जो ये प्लेन ब्रेड रेडी करी थी चीज़, और जो मैंने पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड रेडी करी थी, ये दोनों रख देंगे और एक प्लेट से ढक देंगे, जिससे भाप से ऊपर का सारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो बस हमने बंद कर दी है फ्लेम और हटाया है ढक्कन। तो यहाँ पे रेडी हो गई हमारी चीज़ ब्रेड, और यहाँ पे देखिए गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड भी हमारी रेडी है। कुछ इस तरीके से हमें बना लेना है, और ये बड़ी मज़े की बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका फ्लेवर और इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया, और चीज़ को भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मेल्ट हुई है। तो इसके लिए आपको किसी भी टोस्टर या ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके घर में गैस है, फ्राई पैन लीजिए और बस फटाफट से बनाइए रेस्टोरेंट वाली मज़ेदार ब्रेड। तो अगर आप
तो बस अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा है तो मेरे चैनल अलवीना की रेसिपी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे हमने तीनों ब्रेड रेडी करी, प्लेन गार्लिक ब्रेड और हमने गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड और प्लेन चीज़ गार्लिक ब्रेड भी रेडी करी है। आपको तीनों में से जो भी मज़ा आए अच्छे से इंजॉय करें, मेहमानों को खिलाएं। मैं तो इसके ऊपर डाल के खाऊंगी मेयोनीज़ और टमेटो सॉस के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अच्छे से इस पर डाली हूँ मेयोनीज़, और दूसरी वाली ब्रेड पे भी हम इसी तरीके से डालेंगे। तो मेयोनीज़ डालने के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर टमेटो सॉस। आपकी जैसी मर्ज़ी है, प्लेन मर्ज़ी है तो प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा लुक ज़्यादा बेटर आएगा। तो बस इस तरीके से हमें फ़ील आएगा कि हाँ हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो बस सिंपल सी इजी सी रेसिपी है 5 मिनट वाली, तो बस इसे आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को कर देंगे ना लाइक शेयर एंड कमेंट। वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़, थैंक यू।